हे गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर रिएक्शन वीडियो। तो गाइस, आप लोगों को पता ही है गाइस कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से मैच हार गई। तो भाई जो फैंस है गाइस पाकिस्तान के गाइस, ठीक है, उनके आंग में तो भाई एकदम गुस्सा ही भरा है। तो गाइस लेट्स सी गाइस, एक पाकिस्तान का फैन है गाइस, ठीक है, बहुत प्यारा पाकिस्तान का फैन है गाइस, ठीक है। तो लेट्स सी द रिएक्शन गाइस, ठीक है, हम लोग चलते हैं उसके उसको क्या बोलता है और हम लोग खुद रिएक्ट करते हैं गाइस। पठान भाई की वीडियो है गाइस, लेट्स गो। जो मजा भिखारियों की हार में आ रहा है कल से, वो स्वाद ही अलग है भाई। पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ है कि आईपीएल के बीच में लोग आईपीएल को छोड़ के पड़ोसी देश के मजे उड़ा रहे मौलवी की वीडियो लेके आया हूँ, मौलवी के तार ढीले हो गए, स्क्रू नीचे गिर गए, जरा मौलवी को सुनिए। इसके बाद एक और भी वीडियो है, वो भी सुनिए कल से जिस तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की जिस तरीके से जल रही है ना, बिल्कुल भाई पीछे वाले डबल रोटियों पे क्या बोलते हैं वो गोल गोल दाने जो बड़े बड़े निकलते हैं, बुलबुले निकल गए पड़ोसियों के भाई पीछे वाले डबल रोटी पे बुलबुले निकल आए हैं और इतना दर्द इनको हो रहा है दोस्तों, इतना मजा आ रहा है। मैं कई बार आप लोगों को बोल चुका हूं कि ना इश्क में ना प्यार में जो मजा है इन भिखारियों के हार में, और स्पेशली भाई ये हार आर्मी की हार है मैंने पहले बोला था ये साले इनको सरेंडर करवाने की ट्रेनिंग देंगे, इनसे जीता भी तक कोई मैच नहीं जाएगा। बताओ न्यूजीलैंड की इतनी कमजोर टीम, उसी कमजोर टीम में भी सी दो तीन बंदे बीमार पड़ गए। जो टीम न्यूजीलैंड ने भेजी है, जेड टीम है या पता नहीं कौन सी टीम है, उसमें से भी दो तीन बीमार पड़ गए पाकिस्तान में, कचरा देश में। वहां पर भी दोस्तों फिर दो अकेडमी से बुला के लाए हैं वो लोग, अकेडमी के दो छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 15 से 14 साल थी। अबे शर्म कर लो सालो, इतने बड़े बड़े गुफे पकड़ के तुम लोग जो है ट्रेनिंग पत्थर उठा रहे हो, कभी स्नाइपर चला रहे हो, लेकिन यहाँ पे पुस्की निकाल दीजिए। मौलवी को सुनिए, मौलवी की बड़ी जली है क्या है ये, क्या है ये, मैं क्या देख रहा हूँ, व्हाट इज दिस, ये क्या है, यानी कि बी टीम से भी हम हारेंगे, सी से भी हम हारेंगे, व्हाट इज दिस यार, ये किस किस्म की फील्डिंग है, कैचेस पे कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, लड़का खड़ा 200 के स्ट्राइक रेट से तबाही कर रहा है, ये लोग उसको देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, हद है यार ये क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहा है, यानी अब हम इनसे भी हारेंगे, इनसे भी हारेंगे, मुझे समझ नहीं आ रही। मौलवी ने कंडम वाला जुराब सर पे पहन के उस पे जो है आई लव यू पाकिस्तान लिख के ऊपर वाला जाने भाई इस मौलवी के पजामे में कितनी पसकियों की ढेर लग गई होगी जब पाकिस्तान हारा होगा अगर पाकिस्तान हारने के बाद इस मौलवी की शलवार को आप झाड़ लेते ना तो अमेरिका में एक तूफान आता है जो गोल गोल घूमते हैं, हवाएं और मट्टी उड़ती है, क्या टोर्नाडो बोलते हैं, टोर्नाडो बोलते हैं क्या, इसकी पुस्की हो क्या टोर्नाडो आ जाता मौलवियों ने पुस्कियों की बारिश कर दी भाई। एक और भी वीडियो है, वो भी जरा सुनिए। ये हरा दिया है, क्या नाम है आपकी, जेड टीम। लोग कहते हैं ना कि ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, मैं ये डी टीम सी टीम में नहीं मानता, ये जेड टीम है, ये जेड टीम है। रुके मैं एक सेकंड इसकी थोड़ी आवाज कम करूं ताकि मैं पाकिस्तान टीम की थोड़ी ले सकूं। अब सीन ये है कि ये है जेड टीम। इवन जेड टीम के अंदर से दो प्लेयर थे न्यूजीलैंड के जो बीमार पड़ गए आज, और उनकी जगह दो नए प्लेयर आए हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान का नया ऑफिशियल फादर है, चैपमैन चलते फिरते बच्चों को लेके आ रहे हैं, चैपमैन नो डाउट एक अच्छा प्लेयर है, ठीक है, लेकिन उसके बाद बाकी प्लेयर तो देखो कोई फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं, कुछ नहीं, बट डोमेस्टिक खेल के इधर डायरेक्ट आ गए और पाकिस्तान जैसी टीम को हरा रहे हैं, यार शर्म आनी चाहिए। ये आप प्रैक्टिस कर रहे हो T20 वर्ल्ड कप के लिए, बाबर और रिजवान, बाबर और रिजवान, मजा आ गया भाई, यकीन करो आज तो भाई आईपीएल के मैच का मजा ही नहीं आ रहा मेरे को भाई, इनकी वीडियोस देखकर ऐसा जबरदस्त मजा आ रहा है भाई। अपने घर में छोटे छोटे बच्चे आ गए, छोटे छोटे एकेडमी के बच्चे जिनको माँ बाप ने क्रिकेट एकेडमी में डाला हुआ है ताकि ये कुछ बॉलिंग बैटिंग सीख सके,
अभी उनको 20-20 साल टाइम है उनको आगे जाके खेलने का, लेकिन भाई न्यूजीलैंड ने इनको लॉलीपॉप दे दिया मुंह में, अभी से ही भेज दिया, जा बच्चों पाकिस्तान में खेल पाकिस्तान की सरजमीन पे ये सीरीज, आपको पता है ये वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन पे छोटे छोटे बच्चे जाके मोटे मोटे लोगों पे चढ़ गए, घुसा दिया मजा आ गया यार, मजा आ गया भाई, काफी ज्यादा मजा आ गया यार, ऐसा मजा ना दोस्तों आपको दुनिया में कभी भी नहीं मिलेगा, ऐसा मजा सिर्फ पाकिस्तान की हार पे ही मिलता है, और जब जब पाकिस्तान हारता है अगले एक हफ्ते तक दोस्तों इतना मजा आता है जिंदगी का, लगता है दुनिया की सारी खुशियां ऊपर वाले ने चोली में डाल दी, डाल दे। सो गाइस ये तो फैक्ट वाली बात है भाई, जब भी पाकिस्तान हारती है भाई, ठीक है, तो भाई दो कंट्री हमेशा खुश होती है भाई, एक इंडिया और भाई अफगानिस्तान भाई, दैट्स अ फैक्ट वाली बात, ठीक है। और तो गाइस अभी तो देखो भाई, उन लोग ने मिलिट्री का भी ट्रेनिंग किया भाई, ठीक है, मिलिट्री ट्रेनिंग करके सब पूरा कैंप भी भाई एकदम नहीं हारना है भाई बोल के आए, ठीक है, और इधर ही आके उन लोग बोलते ना मिडल ऑर्डर ही भाई एकदम लो खेला भाई, परफॉर्मेंस ही नहीं मिडल ऑर्डर का भाई, एकदम टुक 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 खेले भाई रिजवान और बाबर। तो गाइस आई होप भाई T20 भाई अभी नेक्स्ट लेवल, गाइस T20 में अगर 220 रन नहीं बनाए तो भाई फर्स्ट में इनिंग में भाई कोई भी चेस कर सकता है, कोई भी चेस, इट्स अ वेरी सिंपल गेम हो गया भाई, 220 रन तो चाहिए ही चाहिए भाई अगर आप पहला बैटिंग कर रहे हो। तो गाइज दैट्स इट अबाउट द वीडियो गाइज, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा गाइज, ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी गाइज, थैंक यू सो मच।